और कंपनी ने हमें क्या क्या दिया और मैंने ये परचेज क्यों करी, तो सब और सस्पेंशन देख लो आप, इसके अंदर ऐसे ऐसे डाउट आ जाते हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, वाइट वाइट सा, ये थोड़ा येलो शेड पकड़ना शुरू कर देता है। हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो क्या हाल है सबके, आई होप सब बढ़िया होगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा एक्टिवा 6G के ओनरशिप रिव्यू की, जो कि मुझे इस गाड़ी को यूज़ करते हुए हो गए 3 साल, और मैं आज अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 3 साल में मुझे क्या इसके नेगेटिव पॉजिटिव हैं, क्या मुझे इसके अंदर अच्छा लगा क्या नहीं, और कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। जैसे कि सबको पता ही होगा कि ये होंडा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्कूटर है, जो कि काफ़ी जनरेशन से चला रहा है, 2G से लेके 7G तक, आपको सबको पता होगा सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्कूटर होंडा एक्टिवा। और कंपनी का क्लेम है कि हर 9 सेकंड में ना एक एक्टिवा सेल होती है हमारी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा इनकी सेल होगी। और हम खैर इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, हम इसके ओनरशिप रिव्यू पे बात करेंगे। मुझे इसको यूज़ करते हुए हो गए हैं 3 साल, और मैं गाड़ी आपको दिखा देता हूँ क्या कितनी मैंने चला दी है, आप चेक कर लो। 22,000 किलोमीटर बहुत होता है ओनरशिप रिव्यू के लिए, तो आपको बताता हूँ मुझे ये कितने की पड़ी थी। ये है मेरा 2021 मॉडल, जो कि मुझे तकरीबन एक्स शोरूम 76,000 रुपये का पड़ा था, और आज की डेट में अगर बात करें तो इसका रेट है 92,000, बिकॉज़ ये डीलक्स मॉडल है और एक स्टैंडर्ड आता है। और कंपनी ने हमें क्या क्या दिया और मैंने ये परचेज़ क्यों करी, तो सबसे पहली बात इसके परचेज़ करने का रीज़न है इसका लुक और इनकी सेल, सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्कूटर यही है इनका, तो हर एक कस्टमर की पहली चॉइस ही एक्टिवा है, और थोड़ी गंदी है, इस चीज़ को इग्नोर कर देना क्योंकि मैंने वाश वगैरह नहीं करी, जैसी है आपके सामने है। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे इसके अंदर क्या मिली और क्या लगा मुझे इसके अंदर, इसकी इंजन की जो राइड है ना, मतलब जो इंजन की परफॉर्मेंस है 110 सीसी में जो भी इंजन आता है इनका, यार वो पिछली एक्टिवा से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये BS6 इंजन है, और जो पहले जनरेशन के आते थे तो BS4 आते थे, तो ये BS6 का मॉडल है, अभी तो 2B आ गया और 7G तक अपग्रेड हो चुकी है। तो खैर हम इन चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, और सस्पेंशन देख लो आप, सबसे बढ़िया चीज़ मुझे इनकी लगी सस्पेंशन, ये देखो, जो कि बाइक की तरह आते हैं इस स्कूटर में, जैसे कि कोई भी बाइक हो ना उस तरीके की इसके अंदर सस्पेंशन है, और काफ़ी सॉफ्ट है। और ये इसके ब्रेक सिस्टम आ गया, और कोई भी इसके अंदर डिस्क ब्रेक नहीं मिलता हमें, ना आगे ना पीछे, दोनों ही ड्रम ब्रेक हैं। और जो आगे टायर साइज है वो 12 इंची है, और जो पीछे है वो 10 इंची का है, और ये MRF के ओरिजिनल टायर हैं। और ये इसका मरगाड आ गया, जो कि मेटल में है, और ये कुछ इसकी शेप है। और बाकी जो हेडलाइट है ये वाली, तो ये इसका LED में आता है, इसमें एक स्टैंडर्ड आता है, उसमें हेलोजन बल्ब आता है, ये इसके इंडिकेटर जो कि हेलोजन बल्ब में आते हैं। और बाकी अगर मीटर की बात करें तो कंपनी को यार 6G में ना, जैसे 5G में डिजिटल थोड़ा सा दिया हुआ था, तो यहाँ पर 6G में भी वो करना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने ये चीज़ नहीं करी, बिल्कुल ही 3G जैसा दे दिया। और ये यहाँ पे बैजिंग है PGM F1 की, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन मीटर, इसका मतलब ये होता है। और अगर बात करें ओवरऑल लुक की, तो लुक में यार आपको ये निराश नहीं करने वाली, पीछे से सेम टू सेम वैसी है जैसे पहले थी। हाँ, पहले जनरेशन वाली में व्हील का जो सिस्टम होता था वो सीट के नीचे होता था, और इसके अंदर सीट के पीछे कर दिया है ताकि दिक्कत ना हो। पीछे आप चेक कर लो, बहुत ज़्यादा थोड़ी गंदी हुई है, तो पीछे भी ड्रम है और आगे भी ड्रम है, तो बॉडीज़ की मेटल की है, ये सबसे बढ़िया बात है। बाकी यार ये जो प्लास्टिक है ना इनका, ये कुछ खास नहीं है, ये 2-3 साल में के अंदर ना, ये देख लो आप, इसके अंदर ऐसे ऐसे डाउट आ जाते हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, वाइट वाइट सा, तो ये चीज़ इनकी कमी है। शुरू से लेके अभी तक इनकी जितनी भी एक्टिवा आई हैं सब में ये प्रॉब्लम थी, 2-4 साल के अंदर ये अपने आप वाइट होने लग जाती हैं। और सीट का कम्फर्ट की बात करें तो सीट की कम्फर्ट में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सॉफ्ट है ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छी है।
और बूट की अगर बात करें तो आपको दिखा देता हूँ, 18 लीटर का बूट है और जिसके अंदर आप हेलमेट वगैरह आप इजीली आराम से कोई भी सामान कैरी कर सकते हो। पहले जो फ्यूल का सिस्टम आता था वो यहाँ पे आता था 3G के अंदर, और 6G के अंदर इसका पीछे आता है। जो इसका इंजन है ना वो सिंपल यही है, देख लो आप, 110 cc का इंजन है आता है, जो कि 7.79 PS की पावर और 8 point something की हमें टॉर्क जनरेट करता है। और बाकी साइड पैडल की बात करें, ये रिजेक्ट सेम है जैसे पहले आते थे। हाँ, इसमें एक चीज़ बदल दी है कंपनी ने, बैटरी का सिस्टम ना यहाँ पे कर दिया, इसके नीचे है बैटरी का सिस्टम, ये उठाओगे इसके नीचे है बैटरी का सिस्टम, ये कंपनी ने थोड़ा पीछे पिछली जनरेशन से अब बदल दिया। और बाकी ये जो क्रोम वगैरह लगा हुआ ये एसेसरी का पार्ट है, ये इंक्लूड नहीं आता इसके अंदर। बाकी स्विच की बात करें, ये इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप और इंडिकेटर का, ये इसका हेडलाइट का मतलब लो बीम हाई बीम, ये इसका हॉर्न इसका नॉर्मल ही आता है जैसे पिछली जनरेशन में आता था। और ये साइड के मिरर, जो हैंडल हैं वो भी पहले की तरह ही हैं, कुछ खास बदलाव नहीं है। और बाकी बात करें, यहाँ पे 6G की वेजिंग आ जाती है, एक्टिवा 6G की, तो ये आपके सामने ही है। बाकी यार ओवरऑल आपको बात बताऊँ मैं इसकी कि हाँ इसका इंजन कैसा है, तो इंजन परफॉर्मेंस के मामले में ये आपको निराश नहीं करने वाली, तभी इतनी ज़्यादा सेल होती है क्योंकि इनका इंजन ही बहुत बढ़िया है। जब से 110 cc में इन्होंने ये मतलब स्कूटर निकाला है तब से लेके अब तक इनके इंजन में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई। 5-4 साल के बाद हो सकता है किसी को मेजर इशू आए हो, तो उन चीज़ों पे हम चर्चा नहीं करेंगे, ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। पीछे से देख लो आप, कुछ इस तरीके से है। बाकी इसकी एक चीज़ की मुझे और चीज़ अजीब लगती है, जैसे ना ये वाइट कलर है तो कुछ सालों के बाद ना ये थोड़ा येलो शेड पकड़ना शुरू कर देता है, आप लोग बता देना कमेंट में। और बाकी जो इसका प्लास्टिक है ये सारी चीज़ें ना वाइट होने लग जाती हैं, यहाँ पे भी आप चेक कर लो, शायद कैमरे में इतना ना दिखता हो लेकिन वैसे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा इसके प्लास्टिक में। तो ये थोड़ा चीप यूज़ करते हैं यार, ये कंपनी वालों को बदलना चाहिए। बाकी इसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। नेगेटिव इसके अंदर, सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव बता देता हूँ इसके अंदर, पॉजिटिव बाद में बताऊँगा। नेगेटिव इसके अंदर यार मुझे कुछ खास नहीं लगे, बस मटेरियल क्वालिटी का ही इशू आया और डिजिटल मीटर का मुझे थोड़ा लगा कि हाँ कंपनी को ये करना चाहिए था। और बाकी बात करें नेगेटिव की कि हाँ यार ड्रम ब्रेक है इसके अंदर, आप कंपनी मतलब आज के टाइम पर देखा जाए तो 1 लाख रुपये में पड़ता है ये स्कूटर, और यार इसमें डिस्क ब्रेक कंपनी को देने चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी को मैं कहूँगा कि आप यार 1 लाख रुपए कस्टमर से ले रहे हो तो उसको आप कम से कम डिस्क ब्रेक पीछे तो दो ना। तो ये चीज़ कंपनी की अच्छी नहीं लगी मुझे। नेगेटिव की बात करें, जो इसका स्विच है ना ये ऑन ऑफ का, ये मैं तकरीबन 3 साल में 2-3 बार चेंज करवा चुका हूँ क्योंकि ना ये ख़राब हो जाता है, यहीं पर अटक जाता है, मतलब आप चाबी ऑन करोगे ना तो अपने आप स्टार्ट हो जाती है, ये मुझे थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आई थी। और वहाँ 1-2 बार इसके ना फ्यूल वाले इसमें प्रॉब्लम आई है, मतलब अटक जाता था, अभी तो जैसे खुल गया, ये देखो मैंने की प्रेस करी खुल गया, बंद कर देते, ये मैंने बाहर से ठीक करवा लिया था। बस ये छोटे छोटे मेजर से इसमें मुझे नेगेटिव लगे, बाकी कोई खास। पॉजिटिव की बात करें तो यार पॉजिटिव इसके अंदर भर भर के हैं। पॉजिटिव के मामले में यार माइलेज को ले लो, लुक को ले लो और रोड प्रेजेंट ले लो, काफ़ी ज़्यादा यार मतलब आपको दिल खुश कर देगी आपका ये स्कूटर। तो इस मामले में मैं यार इसको ना थम्स अप कहूँगा होंडा वालों को कि इन्होंने ये जो प्रोडक्ट निकाला है ना बेस्ट एंड बेस्ट है। अभी 7G आएगा, उसमें डिजिटल की वगैरह का सिस्टम है, बाकी रिजेक्ट सेम है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, प्राइस बस है ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो मैंने तो अपने अच्छे टाइम पर ले ली थी। हाँ एक बार मैंने 3 साल के अंदर एक बार टायर ज़रूर चेंज करवाया, 22,000 किलोमीटर चलाने के बाद पीछे का टायर ज़रूर चेंज करवाया मैंने, वो तो यार जैसा आप चलाओगे देखो वैसा तो आपको करना ही पड़ेगा, उतने तो आपको इसके ऊपर लगाना। एसेसरी मैंने बाहर से लगवाई थी, अंदर से लगवाई नहीं थी, साइड का स्टैंड बाहर से लगवाया था क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अंदर एसेसरी मतलब कंपनी में थोड़ी महंगी मिलते हैं, ये मैट वगैरह सब बाहर से लगवाया था मैंने। तो माइलेज की बात करें ना, मुझे आराम से ये 40 की माइलेज निकाल देती है, 35-40 के बीच में निकाल देती है इन सिटी। हाईवे पर मेरा काम ही नहीं है तो मैं ज़्यादा इसको सिटी में यूज़ करता हूँ। माइलेज के मामले में यार ये बेस्ट है, पिछली जनरेशन से सेम माइलेज है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और लुक के मामले में आपके सामने ही है, लुक आप देख सकते हो। हाँ जो LED का सेटअप है ना यहाँ पे उसका थ्रो थोड़ा कम है,
वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, ये मुझे थोड़ी सी इसके अंदर दिक्कत लगी, लेकिन कोई बात नहीं, इतना छोटा मोटा तो चलता ही है। बाकी इसमें जो ये बॉडी वगैरह सब मेटल की है, ये देखो मेटल का है, ये सारी मेटल की बॉडी है। ये चीज़ इस कंपनी ने अच्छी प्रोवाइड करवाई हुई है। बस ये था आज का इसका एक्सपीरियंस जो आपके साथ मैंने शेयर करा। 3 साल में मुझे ये चीज़ इसमें लगी जो मैंने आपको बता दी। बाकी कुछ रह गया हो तो कमेंट में बता देना। जो पीछे की हेडलाइट है, मतलब पीछे की जो लाइट है, ये इंडिकेटर जो हैलोजन सिंपल बल्ब आता है, इसके अंदर भी हैलोजन आता है। ये एग्जैक्ट सेम पिछली जनरेशन की तरह थोड़ी बहुत शेप में फ़र्क डाल देते हैं, उसको ही जनरेशन आगे कर देते हैं, जैसे 5G 6G 7G। तो ये छोटी छोटी मेजर से अपग्रेड को इसको जनरेशन आगे कर देते हैं ये एकदम। तो बस यार ये था आज का टॉपिक जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था, क्योंकि ये भी आपको दिखाना ज़रूरी था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय।